हौसले हो तो किसी बैसाखी की जरूरत नहीं पड़ती। स्मिनु जिंदल को देख इस बात का आसानी से यकीन हो जाता है। स्मिनु शारीरिक अक्षमता के बावजूद न केवल पढ़ाई में अव्वल रही बल्कि आज वो एक बड़ी कंपनी के एमडी हैं और इसे नई दिशा देने में लगी है। खुद पर भरोसा, कभी न टूटने वाला जज्बा और मंजिलें हासिल करने का जुनून, ये सब कुछ है स्मिनु जिंदल में। कामयाबी की जो इबारत उन्होंने लिखी है उसके पीछे उनका जोश है जिसके सामने शारीरिक कमी ने भी घुटने टेक दिए। ओवरकम करने के लिए मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है पेरेंट्स की सपोर्ट, प्रभु की मर्जी और आगे बहुत सारे दोस्त और आपके आसपास के लोगों के हिम्मत देने की इंटेंशंस। श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से ग्रेजुएशन करने के बाद स्मिनु ने रुख किया फोर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट का। उन्हें पढ़ाई में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए कई इनामों से नवाजा गया। स्मिनु स्वयं नाम की एक एनजीओ भी चलाती हैं जो शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के लिए काम करता है। और हम चाहते हैं कि हम गवर्नमेंट के साथ अपने नेशन के लिए कुछ ऐसा कर सके जिससे हमें अच्छा लगे कि हमने अपने नेशन के लिए कुछ कर पाए, कुछ एक चीज पीछे छोड़ पाए। स्मिनु उन अक्षम लोगों के लिए सचमुच एक मिसाल है जो अपने को कमतर आंकते हैं। स्मिनु ने दिखा दिया कि मंजिलें उनकी होती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। प्रबुद्ध जैन, दिल्ली आज तक।